चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स प्लस माइनस टू लॉग एक्स डी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस लॉग एक्स एक्स प्लस वन लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ए सेकंड आ जाओ, एक्स ई की पावर टू एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन टू डी एक्स, एक्स टू एक्स अपॉन टू माइनस ई की पावर टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी ई की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर। चलिए थर्ड पे आ जाओ, सी आंसर आ गया इसका। थर्ड पे आपको ये दिया है लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। तो ये हो गया आपका लॉग लॉग एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। तो ये आपका हो गया एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ? चलिए इसका आंसर आया आपका बी। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस थर्टीन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और नाइन वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन थ्री प्लस सी। आंसर बी।
लिफ्ट वाला फिफ्थ में एप एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ई एक्स और डी एक्स। तो ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स ई एक्स और डी एक्स। ई एक्स वाई टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स वाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई एक्स वाई टू टू कॉस एक्स प्लस सी ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया आपका सी। क्लियर हुआ? चलिए सिक्स पे आ जाते हैं। अब देखो सिक्स में आपसे बोला है एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर पाई एक्स वन प्लस पाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस पाई एक्स वन प्लस पाई माइनस एक्स और डी एक्स। साइन स्क्वायर पाई एक्स वन प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन वन प्लस पाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे आपका आ गया साइन स्क्वायर पाई एक्स वन प्लस पाई स्क्वायर वन प्लस पाई एक्स होगा एक्स पाई एक्स ठीक है डी एक्स। ये तो बनी होगा कैंसिल हो गए समझ में आ गया। इधर बचा साइन स्क्वायर पाई एक्स और डी एक्स वन बाई टू वन माइनस कॉस टू एक्स पाई पाई और डी एक्स वन बाई टू एक्स साइन टू पाई एक्स अपॉन टू पाई प्लस सी एक्स वाई टू माइनस साइन टू पाई एक्स अपॉन फोर पाई प्लस सी डी आंसर। चलिए सेवंथ पे आ जाओ। ई की पावर एक्स डायरेक्ट रहता है ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन आपको यहाँ दिख भी रहा है ठीक है। ई की पावर देख लो कौन किसका डेरिवेटिव है ठीक है। तो ये तो एफ एक्स है और ये एफ एक्स डैश है यही होगा आंसर। क्या हो गया ई एफ एक्स तो ई बी आंसर हो गया ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो क्लियर ठीक है। इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है नहीं। ये इंटीग्रेशन का साइन करते ये वाला e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स e की पावर x और एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पे आ जाओ। ईट वाले पे ठीक है। ईट में इधर देखो इधर प्रॉपर्टी को ब्रेक करोगे दो टाइप का आ जाता है जो पहले भी आप कर चुके। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है
समझ रहे हो? तो पी की वैल्यू निकालने के लिए सीधा क्या रहता है, इसको लिखो एक्स प्लस टू पी और डेरिवेटिव कर दो डी अपॉन डी एक्स, नीचे वाले डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दें तो हो जाएगा 4x + 6 प्लस क्यू, क्यू की जगह कितने दिया है 1/2, इधर तो 1/2 दिया है। पी चाहिए अगर कॉन्स्टेंट एक्स ले लो तब भी, कॉन्स्टेंट ले लो तब भी, अगर पी एक्स लगो 1 + 4p, पी की वैल्यू 1/4, ये आ गया। क्लियर हुआ ये? इसमें तो अभी किया था वही है, इसको ब्रेक करके कर दो, अभी जो क्वेश्चन किया था वो पूरा वही फॉर्मूला लगाना है, तो इसको उसी उसमें लिख लो। तो ई एक्स 1/x log x, तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो ई एक्स log x डी आंसर है। चले लास्ट वाला ई का वही है डायरेक्ट, अभी जो ऊपर दो क्वेश्चन के उसी टाइप का है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। क्लियर हुआ?